ईसीपी का फुल फॉर्म है एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। ये एक नॉन सर्जिकल नॉन इन्वेजिव मेथड है जो जनरली एंजाइना और हार्ट अटैक पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में काम आता है। मैं इस राजस्थान में सबसे पहले इस मेथड को लेकर आया था और देश में तीसरे चौथे नंबर पे मैं इसको लेके आया था और मैं लास्ट 10 साल से इस पे वर्क कर रहा हूँ और मोर देन 500 पेशेंट्स में ये इस मेथड से ट्रीटमेंट कर चुका हूँ। बेसिक मैकेनिज्म इसका ये है कि हार्ट में जो मेन वेसल्स होती हैं, मेन धमनियाँ होती हैं, उसके बीच में छोटे छोटे कोलेटरल्स होते हैं जिनको अपन तंतु कह सकते हैं, जो तीनों आर्टरीज को आपस में जोड़ते हैं। सपोज करो कि एक आर्टरी में ब्लॉक, मेजर आर्टरी में ब्लॉक हो गया, तो ईसीपी के द्वारा वो जो छोटे छोटे कोलेटरल्स हैं तीनों धमनियों के बीच में, वो ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, नंबर ही बढ़ जाते हैं और उनकी साइज ही बढ़ जाती है, जिससे जिस एरिया में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है हार्ट अटैक के ब्लॉकेज के बाद में, तो उस एरिया में ब्लड की सप्लाई वापस से चालू हो जाती है। इस तरीके से ये काम करता है कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स में जो मांसपेशियाँ होती है हार्ट की, उसको वापस से ब्लड सप्लाई चालू हो जाती है। देखिए, ऐसा है कि ये एक नया ऑप्शन है जिन पेशेंट्स में बाईपास या स्टेंट हम नहीं लगा पाते हैं, या स्टेंट और बाईपास लगा दिया और कुछ समय बाद में दोबारा से रिब्लॉकेजेज हो गए उन बाईपास के अंदर या स्टेंट के अंदर, उन केसेस के अंदर, या ऐसी बहुत सी शारीरिक बीमारियां होती हैं जिसमें हम ऑपरेशन नहीं कर पाते। सपोज एडवांस रीनल फेल्योर, किडनी फेल्योर है, एडवांस रेस्पिरेटरी फेल्योर है या अस्थमा है सीवियर, उन पेशेंट में ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। उन पेशेंट्स में इनको आराम से, इस वाले मेथड को आराम से यूज किया जा सकता है। इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टडीज़ हैं उसमें करीब ये मानते हैं कि 75-85% पेशेंट्स में काफ़ी अच्छी तरह से फ़ायदा मिलता है। हमारी स्टडीज़ के अंदर हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 85% पेशेंट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और उनको दोबारा से कोई बाईपास या स्टेंट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, या जिन्होंने जो स्टेंट और बाईपास करा चुके थे और वो जो दोबारा फेल हो गए थे, उन वो काफ़ी टाइम तक आराम से बिना किसी एंजाइना के इस मेथड ट्रीटमेंट करने के बाद में वो चलते रहे। सरकार में पहल हुई थी पहले, बीच में एक बार ये माना गया था कि भी इस मेथड को, कि जब USFDA से अप्रूव हो गई थी ये ट्रीटमेंट और उसके बाद अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कार्डियोलॉजी से भी अप्रूव हो गई थी, उस समय इसको एक बार मान्यता देने की बात हुई थी और काफ़ी कुछ प्रयास किए गए थे, लेकिन गवर्नमेंट बदलती रही और उसके बाद में कुछ चीज़ें फाइलें ख़त्म होती गई, इस चक्कर में अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो इसको रिएम्बर्स करती हैं और ख़ासकर जो इंडियन बैंक एसोसिएशन के जो एम्प्लॉइज़ हैं, उन्होंने जो पॉलिसी ली है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से, उसमें ये मेथड उसमें रिएम्बर्स हो जाता है।